हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश एंड यू आर वाचिंग बीआरजी प्लेनेट। बीआरजी प्लेनेट पर आपका स्वागत है, जिस पर आपको मिलती है हर रोज रिव्यू, रिएक्शन एंड गेमिंग वीडियोस। इन वीडियोस को पाने के लिए हर रोज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए इसको शेयर, क्योंकि बहुत सा कॉन्टेंट आ रहा है, बहुत सा आने वाला है। और आप सजेस्ट कीजिए यार कॉमेंट्स में भी कैसा कॉन्टेंट बनाना चाहिए और कैसा वर्क करना चाहिए, और मेरे को जो भी है गलतियां निकालिए और बताइए कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी और या फिर ऐसे। मैं जरूर आपके कॉमेंट्स को कंसिडर करूंगा और उनको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आज जिस सॉन्ग पर मैं रिएक्शन बनाने जा रहा हूं, वो सॉन्ग का टाइटल आपने पढ़ लिया है पहले वीडियो के बाहर, नादान जही आस। इसको रॉयल एल्बर्ट हॉल में स्पेसिफिकली शूट किया गया है और ऐसी परमिशन लेना बहुत बड़ी बात होती है एक पंजाबी म्यूजिक के इंडस्ट्री के आर्टिस्ट के लिए। और ही इज वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट, आप फैन भी बोल सकते हो, बट मैं फैन कंसिडर नहीं करता ऐसी चीज को, क्योंकि मैं हर किसी को सुनता हूँ, बट मेरे को उनके जो लिरिक्स हैं, उनकी जो पोएट्री है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, बहुत बढ़िया लगती है और बहुत ज्यादा मतलब क्लीन होती है। और कोई भी गन्स वगैरह नहीं होती उनके गानों में, एक रूहानियत होती है, कामनेस होती है, सूथिंग इफेक्ट होता है, ड्रीमिंग इफेक्ट होता है। म्यूजिक जो देते हैं वो बहुत अच्छा देते हैं अपने सॉन्ग्स को, और सागा का म्यूजिक ज्यादातर पाया जाता है इनके सॉन्ग्स में, सागा म्यूजिक ही प्रेजेंट करता है। इस बार देखते हैं किसने प्रेजेंट किया। टी सीरीज में भी एक वीडियो की है, बट सागा ने ही ज्यादा वर्क किया है सतेंद्र सरताज जी के साथ। विदाउट वेस्टिंग टाइम इस वीडियो को देखते हैं और सॉन्ग को सुनते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं सुना, सॉन्ग रिलीज कल हो गया था, बट रिएक्शन बनाना था, दैट्स व्हाई थोड़ा करना पड़ता है सब। अगर लाइव रिएक्शन, लाइव वीडियो शूट करनी हो तो फिर बात नहीं बनती, अकबर सुन के फिर सुनो तो वो बात नहीं बनती, वो लाइव रिएक्शन, वो गूज़बम्स वाली फीलिंग नहीं आ पाती। लेट्स कम ऑन। मैनू थोड़ा सा डर लग रहा, दुनिया का सामना करने लिए शायद तैयार नहीं है मैं। जेकर तुसी अपनी अंदर की खूबसूरती ते फनकारी नूं खुद पहचानोगे तो दुनिया तुहाडे हर रूप नूं कबूलेगी। मैं इंतजार करूंगा। के सानू नहीं पता हेरा जांदे केड़े पासे, के सानू नहीं पता हेरा जांदे केड़े पासे, तेरे ते डोरियां नी मेरी ए नादान जेई आसे, के सानू नहीं पता हेरा जांदे केड़े पासे। सूरज नू फिक्र या साड़ी वेले ने शामा दे, उपरों सिर नावे है नहीं मंजिल मुकामा दे, सफरां ते आ सैरां ते नहीं के परां ते आ पैरां ते नहीं, करिए हुणे उम्मीदां के ना खैरां ते के तेरे हत्था चे, मैं तां देखे नी कदी कासे, तेरे ते डोरियां नी मेरी ए नादान जेई आसे, के सानू नी पता हेरा जांदे केड़े पासे। सुफने दे लई संजीदा हो जावे काश तू, जिंदगी दे नाल इस तरह खेडे ना ताश तू, जिगरे तेरे डरदे क्यों नहीं शको शुबा करदे क्यों नहीं, साडे कोलों ही ने एने परदे क्यों मंगा नू ता तू, नी सदा मोड़ दिए हसे, तेरे ते डोरियां नी मेरी ए नादान जेई आसे, सानू नी पता हेरा जांदे केड़े पासे।
कोई भी हुंदी नहीं हुक जी, रखिए महफूज एता नाजुक मलूक जी। खूबी एदी लासानी ए आसरियां बिन वीरानी ए, बेशक है मुनाफा पावे हानी ए, मगर सरतार ए हुनर वंडने पता से तेरे ते डोरियां नी मेरी ए, नादान जाइए आसे के सानू नी पता हेरा जांदे केड़े पासे के सानू नी पता, हेरा जांदे केड़े पासे। नदान जी ये आपसे इसको बता दूं मैं कि मकसद क्या था बताने का, कि मेरे पे तेरे पे मेरी नजरें हैं, मेरे को नहीं पता चलता कि मेरे को किधर जाना है। सूरज सुबह निकलता है वो शाम को ढल जाता है, पता नहीं जिंदगी का सफर कहाँ पर जाएगा क्या होगा, बट जो मेरी नजरें हैं वो तेरे पर है। ये नदान जी आज तेरे पर टिकी हुई है, तू हाँ करते हो। तो बताया है स्टोरी में कि लड़की जो स्टार्टिंग में बोलती है कि एक्सेप्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा दुनिया, तो वो कहता है कि तुम्हारे को तुम्हारे अंदर की जो खूबसूरती है, जो तुम एक पर्सन हो जिस टाइप के, वही एक काफी है मेरे लिए और इस दुनिया के लिए। बहुत बढ़िया यार कॉन्सेप्ट था कि लड़की जो बचपन से जो डिजीज होती है, जो पैचेस होते हैं बॉडी पर, वो चीज दिखाई गई है कि दैट वो अपने आप को बदसूरत समझती है, लेकिन वो समझता है कि दैट यू आर अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन दिस प्लेनेट। नदान जही आज बहुत बढ़िया, एक बार फिर तो काम की तरह सतिंदर सरताज ने बहुत सूथिंग कामिंग पे, इतने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो इन्हें, सितार गिटार वायलिन एवरीथिंग पियानो चाइम्स एवरीथिंग इज इन दिस सॉन्ग। इन्हों के सॉन्ग हमेशा हर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली क्लासिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। थोड़ा कितना लगे सॉन्ग कॉमेंट जरूर दसना, जो सतिंदर सरताज जी के फैन ने कृपा करके सबसक्राइब करके जाना, जगह थोड़ा इस वीडियो को देख के मजा आया हो गए और रिएक्शन वीडियोज लिए रेडी रहने, बहुत सारे सॉन्ग्स भी हैं, शुभ का सॉन्ग आया नो लव, इस तो अलावा और भी काफी सारे सॉन्ग हैं जिनका रिएक्शन बनना बाकी है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ही कहना चाहूंगा। आज नहीं इना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो, की पता आज ही तो दूसरी रिएक्शन वीडियो मिल जाए। बाय।